स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल जी, स्वागत है सारिया का। दोस्तों, एक सवाल जिहड़ा यूके वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पुछते ने, वह है यूके का स्पाउस वीजा की प्लस टू तो बाद अप्लाई किया जा सकता है या नहीं, करना चाहिए कि नहीं, कितना का सक्सैस रेट होंगे या फिर वेट करनी चाहिए ग्रैजुएशन की। साढ़े नाल गलबात करने मौजूद ने वीजा ऑफिस के मैनेजिंग डायरैक्टर रणजीत सिंह बाल। रणजीत जी स्वागत है। मेहरबानी दीपक जी, प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस का स्वागत है जी अज इस शो। रणजीत जी, प्लस टू तो बाद यूके का स्पाउस वीजा, पहला तो सवाल यह है कि टैक्निकली लगाया जा सकता है कि नहीं। उस तो बाद दूसरी गल मैं जानने की कोशिश करूँगा, जे लगाया जाता तो सक्सैस रेट किन्ना होंगे कि वह लगाया जाए या फिर वेट की जाए कि नहीं, पहला ग्रैजुएशन कर ली जाए उस तो बाद स्पाउस वीजा अप्लाई करने का कोई एडिशनल जो बेनीफिट हो। दीपक जी, रिक्वायरमेंट जो आप गल करते हैं यूके स्पाउस वीजा की, आप गल करते हैं तो मैं तुम्हें दसदा इतने बच्चों ने कई ने कन्फ्यूज भी पहला हुए थे जो यूके स्टार्ट होया दोबारा तो इन्ने टाइम तो बाद उन्होंने वीजे देने स्टार्ट किए, स्पाउस की एप्लीकेशन लगनी शुरू की, प्लस टू जो प्लस टू तो बाद उ ग्रैजुएशन कर जाता बच्चा, मतलब लैवल एनक्यूएफ लैवल सिक्स की स्टडी कर जा रहा, जबकि यूके हाई कमीशन की गाइडलाइन तुम पढ़ते हो तो क्लीयर लिखा है कि एनक्यूएफ लैवल की स्टडी मतलब मास्टर कर जो एप्लीकेंट जा रहा वो अपने स्पाउस को नाल लेके जा सकता, अपने डिपेंडेंट को नाल लेके जा सकता, बट बैचलर काम जिहड़ा जा रहा लैवल 6 दी स्टडी वो एलिजिबल नहीं आ। हुण होया कि इनिशियल फेज दे विच एप्लीकेशनां लगियां, मैं एग्री करदा प्लस टू दे बेस ते भी स्पाउस दी एप्लीकेशनां लगियां, काफ़ी बच्चों वीजे मिले एंड उस तो बाद इहनूं तुसीं टैक्निकली एरर कह लो अंबैसी दे एंड तो, जां कोर्स कई बार स्पैसीफिक इदां दे हुंदे जिथे अलाउ हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। उस तो बाद की है कि बच्चों नूं लगा कि शायद कंसल्टेंट गलत कह रहा है कि प्लस टू तो बाद स्पाउस नहीं जा सकता, मेरा तो दोस्त गया है, मेरे गुआंढ चो गया, प्लस टू तो बाद ही गए ने, उहदी वाइफ जिहड़ी बैचलर कर रही है तो स्पाउस ते पहुँच भी गया, वो शुरू च होया सीगा, बाद च अंबैसी ने खुद नूं करैक्ट किया एंड उस तो बाद दुनिया जहान दियां रिफ्यूजल उन्हां बच्चों मिली है जिहड़े प्लस टू वाले बेस से जिन्हों ने स्पाउस उत्थे बैचलर कर रहा सीगा, उन्होंने स्पाउस की दीपक जी फाइल लगाई तो रीजन की लिखिया आया कि तुसी एज पर लॉ क्वालीफाई नहीं करते स्पाउस वीजा लिए क्योंकि तुहाडा मेन एप्लीकेंट लैवल सिक्स की स्टडी कर रहा, वो क्लीयर मैनशन करके रिफ्यूजल उन्होंने दी। तो रिक्वायरमेंट की जो गल करते हैं तो क्लीयर कट है, मास्टर जे इत्थे तुसी बैचलर की है मेन एप्लीकेंट ने वह अगर जा रहा तो वेरी ओबियस है वो मास्टर लिए जा रहा, वो हायर स्टडी लिए जा रहा तो वो एलिजिबल है स्पाउस वीजा अपलाई कर ली, अदरवाइज अपलाई ना करे तो अपना ही लॉस होना क्योंकि अंबैसी नू पहला जिहड़े निकल गए थे उस तो मैं कमेंट नहीं करता लेकिन अंबैसी को क्लीयर गाइडलाइन होंदिया ने, हुण तुसी जो भी एप्लीकेशन लाएगा प्लस टू वाले बिहाफ से स्पाउस वीजा की उन्होंने इको रिजैक्शन से इको लिखे आएगा एज पर जो साडे गाइडलाइनस ने एनक्यूएफ लैवल सिक्स की स्टडी के स्पाउस वीजा इज नॉट अलाउड, तुहाडा स्पाउस ते डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, तुसी वेट करो, कदों तक वेट करो जदों तुहाडा जिहड़ा स्पाउस उत्थे गया होया मेन एप्लीकेंट वह अपनी बैचलर पूरी करता है अगे मास्टर की एडमिशन लेंदा है, मास्टर की एडमिशन एनक्यूएफ लैवल 7 की होंगी, उदों तुसी डिपेंडेंट लगाओगे, सो 2 to 3 साल वेट करो फिर ही तुहाडा डिपेंडेंट लगना, इदां पैसे खराब ना करो जी। सो पहला तुसी कह रहे हो लकली जिन्हां दे लागे लागे हुण पहला जाके ग्रेजुएशन करके मास्टर च एडमिशन ले फिर अप्लाई कर। बिल्कुल जी, यही फैक्ट है जेडे आप पहला मैं दस ही दिता कि पहला रीजन हुए से इदा, आई डोंट नो कि क्यों वैसे तो ऐसे स्टार्टिंग लगे थे, मैं भी एग्री करता कई गए भी सके, उस तो बाद रिफ्यूजल भी आई है क्योंकि लैवल सिक्स क्योंकि गाइडलाइन देखो अभी गाइडलाइन तो प्रोफाइल करते टू बी वेरी फ्रैंक, असं प्लस टू के बेस से किसी स्पाउस की फाइल नहीं लगाई, मार्केट लगियां फाइलों तो बाद स्पाउस जो रिफ्यूज हो रहे थे उन्होंने आगे कहा जी साढ़े मेन एप्लीकेंट मिल गया, जी दूजे मिल गया, गुआढ़ी मिल गया, मेरा सेम बेस से इकट्ठा प्रोफाइल से सारा कुछ सीगा, सो उत्ते कोई कुछ नहीं कर सकता ना तुम वैसे चैलेंज कर सकते हो, जो रूल है प्रेजेंटली देखो तो यस लैवल 7 की स्टडी होनी चाहिए है, तुम समझदार हो जो लैवल 6 की स्टडी है, तुम उन्होंने कैश लैटर देखो बैचलर ही जा रहे हो तो लैवल 6 की स्टडी लिए जा रहे हो, मतलब स्पाउस एलिजिबल नहीं है, वेट करो उन्होंने तुम स्टडी कंप्लीट कर दो, बैचलर तुम जाओगे तुम विस्टर से जा सकते हो जो मिल नहीं जाना विस्टर अपलाई कर सकते जो तुम इतने काम कर करते हो, नहीं तो वेट फॉर लिटल वाइल, तुम थोड़ा टाइम वेट करो जो मास्टर की एडमिशन ले लेंगे फिर अपना स्पाउस से डिपेंडर लगाओ फिर डेफिनेटली वीजा मिलेगा। सो स्पाउस वीजा आफ्टर प्लस टू करंट सिचुएशन जो गल करिए नॉट पॉसिबल है जी, तुसी नोट कर जी। सो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन है, तुक्के नाल जे किते सक्सेस मिलता है तो उदे ते अपना सारा टाइम एनर्जी ते पैसा लगाना बहुत ज़्यादा रिस्की है, सो रणजीत जी जिवें कह रहे ने कि वो ये रेकमेंड नहीं करते क्योंकि वो कोई 1000 चो या 100 चो एक केस इहो जिहा हुंदा है जिहदे च अप्रूवल आ जाती है, बट
रेगुलर तौर पर यह रेकमेंड नहीं किया जाता। सो जो तुम अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने तो पहला इन्हों गलों से रणजीत जी ने जो थोड़ा पॉइंट्स दसे ने जरूर एक बार ध्यान दौ। असी लेटैसट इनफॉर्मेशन इस तरीके के जी गलत फहमिया ने उन्हें क्लैरिफिकेशन ये सारिया चीज़ा लैके थोड़े तक रेगूलरली पहुँचते रहने हैं। सो चैनल में जरूर सबसक्राइब करके रखो। धन्यवाद। स्टडी वीज़ा के मुद्दे पर मैं बनागा थोड़ी आवाज़ कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल तो मिलेंगे थोड़े सवालों के जवाब।